सो so, hey, इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च की एक्सपायरी में निफ्टी और बैंक निफ्टी कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं और कौन सी स्ट्रेटेजी आप डिप्लॉय कर सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है पैक निफ्टी में देखो ये पर्टिकुलर वीक में कोई मूवमेंट नहीं हुई है बैंक निफ्टी में आप देखोगे मंडे और ट्यूजडे कुछ भी मूवमेंट नहीं हुई है और जैसा कि आप जानते हैं थर्सडे को मार्केट बंद है और कल की एक्सपायरी वेन्सडे ट्वेंटी मार्च को ही होने वाली है तो देखो पैक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो अराउंड थर्टी का होगा क्योंकि आज देखोगे कल मंडे मार्केट ने ओपन किया और मार्केट उसके ऊपर जाने की कोशिश किया आज मार्केट ने उसके ऊपर जाने की कोशिश की बट थर्टी का लेवल जो लास्ट वीक का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो कल इंपॉर्टेंट लेवल थर्टी रहने वाला है बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ तो आप 39800 से ऊपर के कॉल्स पे सेलिंग आप पोजीशन बना सकते हैं कल की एक्सपायरी के लिए एक और आपका स्टॉप लॉस ऊपर के कॉल्स की तरफ होना चाहिए थर्टी नाइन सेवन हंड्रेड मार्केट इसके ऊपर चला जाए तो अपने कॉल्स को शिफ्ट कर दो ऊपर या आप लॉस बुक करके आप एग्जिट कर सकते हो बट एक्सपेक्टेशन यही है कि बैंक निफ्टी अब नीचे की तरफ आएगा आने वाले दिनों में देखते हैं बैंक निफ्टी में आप देखोगे अगर वन आवर टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं आप देखोगे बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ मूवमेंट हो नहीं रही है काफ़ी दिनों से बट अगर आप देखोगे ये जो एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है थर्टी एट सिक्स हंड्रेड का वो बहुत दिनों से एक लो जो बनाया था मार्केट ने उस लो के अराउंड मार्केट ट्राई कर रहा है आने को तो आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेशन यही है कि थर्टी एट सिक्स हंड्रेड का लेवल वो आने वाले दिनों में टेस्ट करे और ऊपर की तरफ अगर मार्केट चालीस हज़ार दो सौ को ब्रेक करता है तभी हम आगे ऊपर की तरफ प्राइजेस की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो और यू कैन ऑल्सो जॉइन माई फ्री टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंशनड है देखते हैं निफ्टी में क्या चल रहा है देखो निफ्टी में ज़्यादा क्लैरिटी है बैंक निफ्टी से कंपेरिजन ये जो मैंने प्लॉट किया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस लास्ट वीक मार्केट सिर्फ उसी रेंज के अंदर मूव कर रहा है तो एक्सपेक्टेशन कल के लिए निफ्टी में भी यही है कि सोलह का लेवल निफ्टी कल हो सकता है टेस्ट करें आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ अगर हम नोटिस करते हैं तो ऊपर आप नोटिस करोगे निफ्टी ये लेवल को ब्रेक करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं तो लास्ट वीक देखो मार्केट ने जो हाई पी एट किया मार्केट ने एक बार ट्राई किया उसे ब्रेक करने को दूसरी बार और तीसरी बार मंडे को मार्केट ने इसे ट्राई किया ब्रेक करने को बस सत्रह का लेवल मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो कल की एक्सपायरी के लिए आप इसके ऊपर के कॉल्स सत्रह हज़ार एक सौ के ऊपर की कॉल्स आप सेल कर सकते हो निफ्टी में और अगर मार्केट सत्रह हज़ार क्रॉस कर जाए सत्रह हज़ार के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाए तब तो आपने कॉल्स को शिफ्ट कर दो ऊपर या उसके स्टॉप लॉस बुक कर लो तो एक्सपेक्टेशन यही है कि सत्रह हज़ार को डिफ़िकल्टी होगी मार्केट क्रॉस करने में क्योंकि एक बड़ा सा राउंड नंबर है मार्केट अगर इसके पास आती है तो फिर से हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिलेगी और मार्केट आने वाले दिनों में सोलह हज़ार आठ सौ पचास की तरफ जाते हुए दिख रहा है निफ्टी में तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर